आज के इस परिचर्चा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का ये जो परिचर्चा हम लोगों ने रखी है आज के स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, जिनके विषय से भी ये आज का जो टॉपिक है उसे संबंधित है, और सामान्य जीवन में हम सभी का इस विषय से गहरा संबंध आजकल हो गया है, तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रितिका गुप्ता जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका परिचय आप लोगों से मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पूर्व मैं आप लोगों को इस विषय के बारे में कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ, कुछ एक इसके आयामों से आप लोगों को परिचित कराना चाहता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो विषय है आज के युग का बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया हुआ है, बड़ा प्रभावी विषय बन गया हुआ है, और हर व्यक्ति और हर ग्रुप, हर समाज जो है वो इस तनाव से गुजर रहा है, एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। कारण कई सारे हो सकते हैं और उसका जो उपाय है उस उपाय के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। एक्सपर्ट्स उसमें हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, योगा टीचर्स कर रहे हैं, काउंसलर्स कर रहे हैं, लेकिन वो जितने भी प्रकार के हमें उपाय बताते हैं, निदान बताते हैं, उपाय इलाज बताते हैं, उस सब को क्या हम भारतीय संदर्भों में कभी देखते हैं कि नहीं देखते, या हम सभी के पास केवल मात्र जो वेस्ट का एक मॉडल है काउंसलिंग का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, क्या वही है, या हमारा अपना भी कोई मैनेजमेंट करने का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई अपना भी मॉडल हो सकता है। तो उसी विषय को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, और उसके बाद मैं आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर रितिका गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा और उनका परिचय भी आप लोगों से करवाऊंगा। उससे भी पूर्व मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का और आज के मुख्य वक्ता का कॉलेज की ओर से, कॉलेज प्रबंधन समिति की ओर से, प्राचार्य महोदय और बाकी सभी साथियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्क्रीन पर स्ट्रेस का जो हमने अनुवाद हिंदी में किया है वो दो अनुवाद किए हैं, एक है तनाव और दूसरा है चिंता। आपको प्राचीन साहित्य में तनाव शब्द इस तरह से इस रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन चिंता शब्द वहां पर आपको उपलब्ध होता है, और ये चिंता शब्द जो है वो दोनों तरीकों से प्रयोग की गई है, सकारात्मक और नकारात्मक रूप में। एक और वो कहते हैं कि अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए। नीचे का अगर आप श्लोक देखें जो आपकी परंपरा में मिलता है, जिसका अर्थ मैं केवल आपको बता रहा हूं कि चिंता और चिता जो है वो दोनों समान शब्द हैं, केवल मात्र अनुस्वार का उसमें अंतर पड़ता है। चिता जो है वो मृत शरीर को जलाती है, चिंता जो है वो सशरीर जीवित व्यक्ति को जलाती है। ऐसे ऐसे श्लोक हमें मिलते हैं। लेकिन चिंता का जो एक दूसरा सकारात्मक पहलू है वो ये भी हमें देखने को मिलता है कि चिंता अवश्य करनी चाहिए, लेकिन जैसे कि वो प्रयोग करते हैं राष्ट्र चिंता हमें करनी चाहिए, समाज की चिंता करनी चाहिए, तो वो एक सकारात्मक चिंता की बात करते हैं, सकारात्मक चिंतन की बात करते हैं। तो वहां चिंता जो है वो चिंतन के अर्थ में है। लेकिन जो दूसरा है, जो जलाने वाली चिंता शब्द है, स्ट्रेस जिसे हम नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं, वो एक नितांत भिन्न अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है, जिसके मैं आप लोगों से परिचय कराना चाहूंगा। लेकिन उससे पूर्व आप ये देखिए कि वेस्ट और ईस्ट जिसे हम भारतीय कहते हैं, कि वहां पर शरीर और दोनों तरह के शरीरों का, दोनों तरह के व्यक्तित्वों को आप देखिए ध्यान से। एक और जो ध्यान और योग की ओर अग्रसर होने वाला शरीर है, उसमें आपको कहीं पर भी चिंता या तनाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर आप देखें कितना मस्कुलर शरीर है और उसमें कितना है तनाव ही तनाव आपको दिखाई देगा, स्ट्रेस ही स्ट्रेस दिखाई देगा। व्यवहार में भी, शरीर में भी, मन में भी निरंतर एक तनाव आपको दिखाई देता है, और ये तनाव जब आदमी बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर उसमें झलकने लगता है कई प्रकार की व्याधियों के रूप में।
जैसा कि कई बॉक्सर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अली जो था मोहम्मद अली, और लास्ट के डेज में उसकी क्या स्थिति रही है, इसको अगर आप देखें तो आप लोग अनुमान कर सकते हैं कि सारी उम्र तनाव में रहे, बॉडी बिल्डिंग करते रहे, लेकिन अंत में उस शरीर को ही संभालना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ जो योगी का शरीर है, ध्यान करने वाले का शरीर है, शांत व्यक्तित्व जिसका है, वो 100 साल की उम्र तक स्वस्थ जीवन जीते हैं, ऐसे हमें पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। तो चुनाव आपका है कि आप किस तरह के व्यक्तित्व को जीना चाहते हैं, तनावपूर्ण व्यक्तित्व को या शांत व्यक्तित्व को। अब ये तनाव आता क्यों है, इसको भी हम भारतीय संदर्भ में समझ लें, बाकी मैडम इसके ऊपर चर्चा करेंगी विस्तार पूर्वक, लेकिन शुरू के जो 3-4 मिनट हैं उसमें मैं आप लोगों के साथ 2-3 बातें करना चाहता हूं। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं भारतीय पक्ष से, वो कहते हैं कि केंद्र में आप हैं, जीवन के केंद्र में कौन है, आपका होना है, आपका अस्तित्व, आपका बीइंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और आपको किस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि हर वक्त अचीवमेंट्स करके दिखाओ, आपकी उपलब्धियां क्या हैं, आपके अचीव क्या किया है लाइफ में। तो आपके होने और आपके अचीव करने के बीच में एक तनाव बनाया जाता है, पैदा किया जाता है, और आप सभी तनाव में रहते हैं, और पर्टिकुलरली फिजिकल एजुकेशन में तो ये रहता ही है कि आपने परफॉर्म करके दिखाना है, वो म्यूजिक के आइटम्स हों, वो फिजिकल एजुकेशन के आइटम्स हों, स्पोर्ट्स की हों, सब जगह क्या है, परफॉर्म करके दिखाइए। और परफॉर्मेंस से क्या होता है, आप पर एक तनाव बनता है, एक दबाव बनता है, और उस उम्र में हमें नहीं पता लगता, लेकिन लेटर पीरियड में जा करके हमें पता लगता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन को अपने तनाव को कैसे हैंडल करना है, कैसे समझना है, ये बात समझानी और बड़ी आसान उनके लिए बड़ी आवश्यक है। तो इसलिए इसको अंग्रेजी में बीइंग और बिकमिंग कहते हैं। तो इनके बीच का जो अंतर है उसको आप कैसे सुलझा सकते हैं, योग के माध्यम से, जिस पे चर्चा मैडम करेंगी। और आप लोग ये जानते ही हैं कि जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस के जो साइंस हैं वो धीरे धीरे आपके किस तरह से शरीर और मन में और व्यवहार में प्रकट होने लगते हैं, तो उस पे मैडम चर्चा करेंगे कि कैसे पर्सनैलिटी चेंजेस आने लगती हैं और कैसे विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, ये सब बातें मैडम करेंगी आपके साथ। लेकिन जो मूलभूत हमने प्रश्न लिया था, वो प्रश्न जो लिया था वो आप एक बार देख लीजिए कि हमारी ट्रेडिशन में, हमारी परंपरा में स्ट्रेस मैनेजमेंट शब्द इस तरह से प्रयोग किया ही नहीं कभी गया, क्योंकि ये बात बड़ी अजीब लगेगी भारतीय संदर्भ में कि स्ट्रेस किस लिए, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस को मैनेज क्यों करना चाहेगा। जीवन में हम सुंदर चीजों को मैनेज करने चाहते हैं, स्ट्रेस जो कि दुख का कारण है उसे हम क्यों जो है वो मैनेज करना चाहेंगे, ये एक मूलभूत प्रश्न है आज के इस वेबिनार का। और मैं बाकी सारा प्रश्न नहीं पढ़ रहा, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो वेस्ट में जो है वो कमांडमेंट्स और डिसिप्लिन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर है ताकि अचीवमेंट्स हों, जो कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, तो वहां पर स्ट्रेस बनता है, लेकिन यहां पर केवल आपने देखना है, एक समझ पैदा करनी है, तो उसके साथ जब आप जीते हैं तो आप स्ट्रेस में नहीं होते। अब हमारी परंपरा में आपको कई उदाहरण तनाव के मिलते हैं, जैसे कि रामायण में आपने कैकेयी का तनाव देखा, जब उसने अपना वरदान मांगने थे तो आपको कैकेयी के व्यवहार में एक तनाव दिखाई देता है। राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो उसमें मेघनाथ और कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण तनावग्रस्त दिखाई देता है कि ये कैसे संभव है कि कोई तपस्वी जो है वो मेरे रहते हुए, रावण जैसा वीर रहते हुए जो है वो इन लोगों को मार दे, तो रावण तनाव में है। दूसरा उदाहरण आपको मिलता है महाभारत, और जहां पर कंस को तनाव आता है जब नारद उसे बताते हैं कि देवकी का 8वां पुत्र जो है वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन कौन सा 8वां, ये चक्कर में डाल देते हैं और कंस तनाव में आता है, और तनाव में आता है तो वो वायलेंस करता है। गीता में भी आप देखते हैं कि वहां अर्जुन को प्रथम अध्याय में तनाव देखने को मिलता है, जैसे ही वो 2 सेनाओं के मध्य खड़ा होता है, और तनाव के कारण उसका सारे का सारा पर्सनैलिटी जो है एकदम बिखराव में आ जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। एक नाटक है शाकुंतल नाटक, उसमें भी तनाव की वो स्थितियां हमें देखने को आती हैं, जहां पर शकुंतला को अस्वीकार कर देता है राजा कि मैं तुझे नहीं जानता, तेरे साथ विवाह की मुझे बात याद नहीं है, और शकुंतला और उसके साथ के लोग जो हैं वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। और एक अंतिम उदाहरण और लेकर के हम बात को अग्रसर करते हैं
कि आपने ये दुर्गा सप्शती नामक एक किताब है उसको अगर कभी पढ़ा हो तो वहां पर आप देखते हैं कि राजा और एक वैश्य जो हैं, दो लोग हैं जो आश्रम में रहते हैं। राजा जो है वो निरंतर अपनी प्रजा और अपने जो समान है उसकी चिंता करता रहता है कि मेरे सैनिकों का क्या होगा। पराजित होने के बावजूद निकाल दिया गया है अपने राज्य से, लेकिन शत्रु उसके हाथी के साथ, उसके घोड़ों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे इस बात को लेके वो चिंता में रहता है। दूसरी तरफ वैश्य, जिसे घर से उसके लोगों ने उसकी सारी संपत्ति लेके निकाल दिया है, वो भी अपने घर वालों के बारे में चिंता निरंतर करता रहता है कि मेरे घर वाले ठीक हों। तो इतना अपमान और तिरस्कार होने के बावजूद वो चिंता में है। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण अपनी परंपरा में देखने को मिलते हैं। अब आज के युग में जब हम देखते हैं अपनी परंपरा के अनुसार से, चार मुख्य कारण आपको दिखाई देंगे कि हमें तनाव क्यों होता है, टेंशन क्यों होती है। एक तो है कि हम मिस यूज ऑफ लैंग्वेज जो है उसकी वजह से हमें तनाव होता है कि हम सही भाषा का प्रयोग नहीं करते। दूसरा, ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म, अति बौद्धिकता जिसे कहते हैं, उसकी वजह से तनाव होते हैं। मैं इनकी व्याख्या में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे जल्दी से इसको बात को समाप्त करना है। और फिर ओवर जो इमोशनलिज्म है, जो हमें संस्कारित हमारी भावुकता है वो ना होने के कारण उस वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। और फिर जो है कार्मिक स्ट्रेस होता है कि हमें कर्म करने में कुशलता नहीं है, हमारे कर्मों में स्किल नहीं है, इसलिए भी हमें स्ट्रेस होता है। तो ये चार कारण हमें परंपरा की ओर से दिखाई देते हैं। अब इस परंपरा में जिसकी वजह से हम भारतीय होने पर गर्व करते हैं, उसमें आप ये देखिए कि तीन चार बातें वो बताते हैं कि इस तनाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अगर आपके आचार विचार और व्यवहार में सम्यकता है, अप्रोप्रिएटनेस, सम्यकता का मतलब है अप्रोप्रिएटनेस, या आप में स्थित प्रज्ञता है कि आपका माइंड बैलेंस्ड है, पुरुषार्थ करने में अगर आप रुचि लेते हैं कि आपने केवल पुरुषार्थ की वजह से कोई भी कर्म करना है, तो आप जो है वेलबींग या कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये एक मुख्य बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और नीचे के आप देख सकते हैं कि ये आज के मनुष्य का स्ट्रेस है, इतने सारे, आप किसी भी महानगर में रहने जाएं, कॉरपोरेट सेक्टर में रहने जाएं, नौकरी करने जाएं, तो आपको दुनिया भर के स्ट्रेस वहां देखने को मिलते हैं। लेकिन आपकी जो वेद हैं, आपकी जो परंपरा है, वो सब क्या है, शांति शब्द पर आधारित है। हम सभी क्या चाहते हैं, ओम शांति। और स्ट्रेस के ये कई हमें रूप देखने को मिलते हैं जिसके बारे में चर्चा आज के मुख्य वक्ता करेंगी। इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इन सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने आज विशेष रूप से आमंत्रित किया है आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर रितिका गुप्ता जी को, जो कि मूलतः BDS हैं और MDS है उसके बाद। उनकी जो एजुकेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। डेंटल सर्जरी में उनका हाथ बहुत सधा हुआ है और फैकल्टी एट कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज इंदौर में है, ATTC, जिसमें 900 आर्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं। योगा थेरेपिस्ट हैं, TYI मुंबई, योगा सेंट्रल बोर्ड, आयुष मिनिस्ट्री जो है उसमें टीचर और एवेल्युएटर हैं, साधिका हैं एट TYI दिल्ली, और डायरेक्टर और फाउंडर हैं स्वर्ग फाउंडेशन दिल्ली की। इसके अतिरिक्त तो वो बहुत सारे वर्कशॉप्स, लेक्चर्स और अपनी प्रैक्टिस वो सब भी करती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो स्वयं को किस तरह से मैनेज करता होगा, किस तरह से शांत रखता होगा। उससे हम एक सीधे सीधे जो है ज्ञान की बातें, विचार की बातें सीख सकते हैं, ताकि हम जीवन में उन स्ट्रेस से बचे रहें, उस प्रकार के तनावों से बचे रहें और हम अधिक से अधिक क्रिएटिव हो सकें। तनाव से बचना इसलिए आवश्यक है ताकि हम और अधिक सफल जीवन जी सकें, मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। इसलिए स्ट्रेस को अवॉइड करना, उसको मैनेज करना जरूरी है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से, अन्य सभी विभागों की और कॉलेजेस की ओर से मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आज की मुख्य वक्ता को कि वो आज की परिचर्चा हम लोगों के साथ आरम्भ करें और हमें बताएं कि इस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, किस तरह से अपने अधीन रखें, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन, प्रसन्नतापूर्ण जीवन और मीनिंगफुल जीवन जी सकें। तो सभी की ओर से
उनका स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। वेलकम मैम। नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम एक डॉक्टर सेकंड मैम, मैं वॉल्यूम आपका कर दूं। जी जी नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर रितिका। सर ने इंट्रोडक्शन दिया ही, सो टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस थोड़ा सा क्या है उस पर चर्चा करते हुए और उसको माइंड बॉडी से रिलेट करते हुए एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। कुछ मैं आपको टेक्निक्स बताना चाहूँगी और एंड में थोड़ा सा आपको एक मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करना चाहूँगी लास्ट 10 मिनट्स, सो दैट यू नो यू कैन हैव अ फील दैट अगर आप ये छोटे छोटे टेक्निक्स अपने दिनचर्या में कहीं भी इनकलकेट कर सकें, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, अपने क्लासेस के बीच में, अपने रूटीन के बीच में, सो यू कैन बी स्ट्रेस फ्री। सो वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। प्लीज लेट मी नो इफ माई स्क्रीन इज विजिबल। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? जी जी। ओके, सो योगिक टेक्निक्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे सर ने कहा कि क्या टेक्निक्स होती हैं हमारी, जिससे जो आपने एक योगी की फोटो दिखाई और एक मस्कुलर मैन की, तो योगिक टेक्निक्स से मैंने इसे रिलेट किया है बिकॉज आई एम अ योगा थेरेपिस्ट ऑल्सो एंड बीइंग अ डॉक्टर आई हैव रिलेटेड टू माइंड बॉडी ऑल्सो। सो दिस व्हाट इन्फॉर्मेशन टुडे वी आर गोइंग टू शेयर ऑफ माइंड एंड बॉडी इज नोवेयर इन द टेक्स्ट इन द बुक्स, मेडिकल बुक्स ऑल्सो। तो इसमें योगा इज नॉट अ कमांड परफॉर्मेंस, जैसे हम बोलते हैं कि हमें सिर्फ आसन करने हैं कि मैं बोलूँ बेंड डाउन हो जाइए, हाथ ऊपर कर लीजिए, इट इज जस्ट नॉट अ कमांड परफॉर्मेंस, इट इज एन इन्विटेशन टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप अपने आप को उसमें कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके अंदर कितनी डेप्थ है, आपके अंदर कितना माइंड बॉडी आपका कितना कनेक्टेड है, जो स्थित प्रज्ञ की बात करी आपने, जो सब आपने बताया कि एक स्थिरता जितनी माइंड एंड बॉडी की होती है उससे है। सो टू स्टार्ट वील स्टार्ट विथ वॉट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट इज जस्ट अ इंटरगल पार्ट ऑफ अ लाइफ। अगर कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा तो कोई ग्रोथ ही नहीं होगी, अगर उसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो। पर सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर अस। पर क्या होता है कि हमारा जो अबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कि हमने कोई न्यूज देख ली, अभी कोरोना का इतना पैंडेमिक हुआ, सब कितने स्ट्रेस में थे घरों में, तो मतलब पीपल गॉट पैनिक, सामान की होर्डिंग चल रही है घर में, बाहर नहीं जा रहे हैं, आधे से ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था। तो उसमें क्या होता है, बॉडी हमारी स्ट्रेस में जाती है, फटीग में जाती है, स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होते हैं और हम आधे बीमार तो ऐसे ही पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लो होती है, विच आई कैन टेल यू एज अ डॉक्टर। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा जो अबनॉर्मल रिस्पॉन्स है, हमने कोई न्यूज देख ली, हमने किसी के मर्डर की न्यूज देख ली, हमने कोई हमने कोई चोरी चकारी की न्यूज देख ली या कोई प्रॉब्लम आन पड़ी, तो उसका अबनॉर्मल रिस्पॉन्स जो हम रिएक्शन होता है हमारा, उसकी वजह से जनरली डिजीज और डिसेबिलिटी होती है। अब अगर हम इसको आराम से लें और हम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम क्या है जो स्ट्रेस कॉज कर रही है, और सोल्यूशन के लिए लुक करें धैर्यतापूर्वक, जैसे ठीक है पैंडेमिक भी आया पर चला गया, इट वॉज नॉट परमानेंट। जिन्होंने धैर्य रखा, जिन्होंने अपना संयम बनाए रखा, ठीक है लोगों के साथ आई एम सॉरी टू से दैट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स हैपेंड, बट यू नो एक समय था जो निकल गया, तो नथिंग इज परमानेंट। सबसे बड़ी बात यह है, समय आता है और चला जाता है, वी हैव टू लुक फॉर सोल्यूशंस। तो हमें अपने आप को लैक ऑफ ईज में ला के डिजीज में नहीं जाना है, हमें ऐसी परिस्थिति में रहना है कि हम आइडेंटिफाई कर सके प्रॉब्लम, सोल्यूशन लुक कर सके, और थोड़ा स्ट्रेस तो ठीक रहता है। अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इट इज, इसको गुड स्ट्रेस को यूज स्ट्रेस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई मुझे डेडलाइन मिली, तो अगर डेडलाइन ही नहीं मिलेगी उससे मुझे स्ट्रेस भी हो सकता है, पर अगर मैं सोचूं कि चलो मेरा ये इतना तक का टारगेट है और मुझको ये असाइनमेंट करके देना है इतने टाइम में, तो वो मेरे लिए गुड भी है, इट इज़ फॉर माई ग्रोथ। सो इफ आई टेक इट पॉजिटिवली, इफ माई रिस्पॉन्स इज नॉर्मल टू इट, इफ आई एम लुकिंग फॉर सोल्यूशंस, तो स्ट्रेस इज गुड फॉर अस इन सम अमाउंट। आई एम नॉट सेइंग इन वेरी मच अमाउंट, बट इन सम अमाउंट। अब थोड़ा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। जैसे सर ने पारंपरिक और सांस्कृतिक स्ट्रेसेस जो हमारे रामायण महाभारत से निकले उनकी बात करी, बट नाउ आई वांट टू जो आजकल के जो आजकल के ट्रेंडिंग स्ट्रेस है, सबसे बड़ी बात है हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि हम आजकल इतनी फास्ट लाइफ में है कि हम अपने बीपी, शुगर, हमारे कफ प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी, वायरल्स और इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई है। एक बार किसी की हेल्थ खराब हो जाए, समझिए अगर वो 7 डेज के लिए बेड पे है तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी तो ऐसे ही खत्म हो गई,
ना वो कोई असाइनमेंट्स कर सकता है, ना वो कोई टारगेट्स कर सकता है, ना आप पढ़ाने जा सकते हैं, आपकी नौकरी आपकी पढ़ाई सब स्थगित हो जाती है. सो हेल्थ प्रॉब्लम इज अ वेरी बिग स्ट्रेस दीज डेज. फियर ऑफ यू नो मिसिंग फ्लाइट्स, स्टेइंग बिहाइंड, डेडलाइंस, ये यूथ में जनरली यू नो बच्चों में होता है कि आपको डेडलाइंस मिली हुई हैं, आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, आपको टारगेट्स मिले हुए हैं और आपको उसका फियर रहता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं. ये आजकल दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यू नो, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये स्ट्रेस सबसे ज्यादा है. देन सोशल मीडिया स्ट्रेस भी हो गया आजकल तो, बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, तो उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं. कंपेरिजन इज अ वेरी यू नो बिग एजेंडा फॉर स्ट्रेस, कि सोशल मीडिया पे हो गया, उसके पास ये वाली गाड़ी है, हमारे पास ये नहीं है. सो दिस इज अननेसेसरी स्ट्रेस. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स में थोड़े बहुत टकराव होते हैं, वो सब भी स्ट्रेसेस हैं. पॉलिटिकल स्ट्रेसेस भी है, सर ने कहा फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ये सब सकारात्मक होते हैं पर आजकल जैसे बजटिंग या सरकारों की वजह से जो डिसीजंस होते हैं तो उसमें भी कभी कभार लोगों के फाइनेंसेस इम्पैक्ट होते हैं, तो उस पर भी ये सब स्ट्रेसेस के कहीं ना कहीं कारण बनने लगे हैं. देन प्रोफेशनल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस आजकल बहुत है क्योंकि सबको अपने प्रोफेशन का रहता है कि यू नो आई शुड ग्रो, आई शुड डू गुड, आई शुड अर्न नाइसली, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ. पीपल आर सो एम्बिशियस दीज डेज. So professional stress is one of the main agenda. Then need to be perfect, lack of time, exercise. ये point हम सबसे ज़्यादा ignore करते हैं. हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कम time है या exercise या हमारा जो routine है जिसमें हम अभी आगे बात करेंगे, AVAV आहार विहार आचार विचार के बारे में बात करेंगे, तो हमारा जो lack of time में हम rest compromise करते हैं या हम अपना exercise या हम अपना routine जो compromise करते हैं उसमें ये स्ट्रेस बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है. देन जगलिंग बिटवीन बोथ करियर एंड होम, जनरली वुमेन जब घर भी संभाल रही होती हैं औरतें, और आई अंडरस्टैंड कि मेन के पास भी बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, बट वुमेन जब घर एंड करियर दोनों संभाल रही होती हैं तो उन दोनों के बीच में उनको कोऑर्डिनेशन और आजकल की जो बिजी लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे बहुत ये एक स्ट्रेस का कारण पड़ता है. देन यही जो पॉइंट है कि रेस्ट, रिलैक्सेशन, वीक माइंड, ये जो हम इग्नोर कर देते हैं, ये छोटी सी चीज़ है पर अगर हम अपना AVAV का ध्यान रखें, आहार विहार आचार विचार का, अपना सोने का, खाने का, पीने का, एनर्जी का, सब चीज़ का, तो ये हिडन फैक्टर है. ये छोटा छोटा एक्यूमुलेट होते होते लैक ऑफ एनर्जी ही स्ट्रेस का बड़ा कारण बनती है. अब इसको थोड़ा मेडिकल फील्ड से रिलेट करेंगे. ये डायग्राम में मैंने आपको छोटा सा दिखाया हुआ है कि कैसे स्ट्रेस आपकी बॉडी से रिलेट करता है, यू नो हाउ इट इफेक्ट्स योर बॉडी. अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो क्या होगा कि आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, आप एंजाइटी में रहेंगे, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में बदलने लगेगा, मूड स्विंग्स होंगे, स्किन में हेयर लॉस वगैरह होने लगते हैं, नेल्स में प्रॉब्लम होने लगती है, आपको हाई BP, हाई कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट्स में टेंशन रहने लगेगा, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन रहने लगेगा, मतलब सूजन वगैरह, आपके गट मतलब आपके जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन. ये एक बहुत सिंपल सी बात है जो मैं आपको समझाऊं, जब आप सोते नहीं है प्रॉपरली तो आपका सबसे पहले डाइजेशन इफेक्ट होता है. जो खाना पचता नहीं है, जिसका भी खाना पचता नहीं है, वो कॉन्स्टिपेशन का कारण, कॉन्स्टिपेशन मतलब जो आपको स्टूल्स पास नहीं होते या आपका पेट क्लियर नहीं होता, वो कारण यही है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी रेस्ट लैकिंग है, आपकी स्लीप लैकिंग है. जब हम सोते हैं और हम रेस्ट करते हैं खाने के बाद, तो 2 घंटे तक पहले हमारा पाचन क्रिया चलता है, हमारा खाना पचता है, उसके बाद हमारी एनर्जी अब्जॉर्ब होनी शुरू होती है और हीलिंग शुरू होती है बॉडी की. अगर हमारी बॉडी डीप स्लीप में नहीं गई है तो हमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा, डायरिया रहेगा, इनडाइजेशन रहेगा, और जब सोचिए डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी और आपके हार्मोनल सिस्टम और सब कुछ. तो ये ट्रिगर है कि स्ट्रेस कैसे आपको बॉडी को इफेक्ट करना शुरू करता है. और ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, मैं आपको इसका एक छोटा सा वो दिखाती हूँ. इसमें ही आप अगर आप समझे, जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स, वो कॉर्टिसोल हार्मोन जैसे सिक्रीट हुआ, मैं स्ट्रेस में गई, मैंने एक थॉट भी क्रिएट किया, बैठे बैठे मैंने सोचा अरे कोई लेट हो गया, सपोज मेरे घर में कोई लेट हो गया आने में,
मेरी फैमिली मेंबर, एंड मैं सोचूं अरे कहीं कुछ हो तो नहीं गया, यू नो नेगेटिव, जनरली वी थिंक नेगेटिव, मैं सोचने लग जाऊं कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, और उस थॉट से तुरंत मेरे बॉडी में कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा, और कॉर्टिसोल सिक्रीट होते ही मेरे बॉडी में टॉक्सिन सिक्रीट होने शुरू हो जाएंगे, और वो टॉक्सिन्स मेरी आर्टरीज में, मेरे ब्लड वेसल्स में, मेरे जॉइंट्स में, मेरे हर जगह जाके जमा हो जाएंगे, और उनको जमा होने से क्या होता है कि फिर मेरी बॉडी वियर एंड टियर होने लगती है, और ये जो जितनी भी बीमारी स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा रखी है ये सब होने लगती है, और उसके कारण से फिर हमारा वियर एंड टियर और बॉडी डैमेज होने लगती है। अब हम दूसरी तरफ अगर हम अच्छे थॉट्स क्रिएट करें, हम रिलैक्स रहें, हम अच्छे से खाएं, हम अच्छे से सोएं, तो हमारी बॉडी में हीलिंग होगी, हमारी बॉडी रिपेयर करेगी, इसको भी अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो योगा, योगा इज अ होलिस्टिक अप्रोच, योगा जैसे आजकल स्पेशलाइजेशंस चल गई हैं, जैसे मेरे डेंटिस्ट्री में भी बीडीएस के बाद हम एमडीएस इन सर्जरी, तो हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशंस हैं, बट योगा इज अ होलिस्टिक अप्रोच। योगा हमारे प्राचीन काल का भारत का सबसे पुराना मान्यवर चीज है, और तब से इस धरोहर में क्या कहते हैं कि होलिस्टिक ही अप्रोच है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशंस नहीं है, इसकी जो एक सुंदरता है वो यही है कि ये माइंड और बॉडी को एक यूनिट की तरह, होलिस्टिक मतलब एक यूनिट की तरह डील करता है। फिजिकल और मेंटल एक्शन जो दोनों होते हैं हमारे माइंड और बॉडी के, वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। योगा ने रिकॉग्नाइज किया कि माइंड को अकेले कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बॉडी को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। तो योगा ने क्या किया कि हमने आसनों के थ्रू, जो हम आसन करते हैं, जो हम पोस्चर्स करते हैं, उनके थ्रू माइंड को कंट्रोल किया। जब आप एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगी, आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं ये टिप, जब भी कोई फॉरवर्ड बेंडिंग, कभी भी आपको हल्का सा स्ट्रेस हो रहा है या फटीग लग रहा है अपने सर में, आप अपने बेंच पे ही सर आगे रख के, जैसे बचपन में सर आगे टेक के हम सो जाते थे बेंच पे, ऐसी आप सर आगे रख के सो जाइए, या आप खड़े हुए हैं तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर लीजिए, इसी से वैराग्य भाव क्रिएट होता है। ये छोटे छोटे आसन जो हम करते हैं इनसे एक भाव क्रिएट होता है, धर्म भाव, ज्ञान भाव, वैराग्य भाव, ऐश्वर्य भाव, और इससे पर्टिकुलर फीलिंग हमारे माइंड में बनती है। तो हम अगर मैं आपसे कहूं कि आप गुस्सा मत करिए, पर आप इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना हाथ नीचे करके बेंड डाउन हो जाइए, तो वो आसान है। तो योगा ने रिकॉग्नाइज किया कि बॉडी इज रिलेटिवली इजी टू कंट्रोल, तो योगा ने आसनास के थ्रू माइंड को कंट्रोल किया। अब हम जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं या मैं अपना सर आगे टेक के बेंच पे बैठ जाऊं बस, तो उससे मेरे मन में वैराग्य भाव के थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे जो भी टेंशन स्ट्रेस होगा वो रिलीज। ये छोटी सी टेक्निक है, इसे हम कॉपरेट योगा भी कहते हैं। कॉपरेट में हम छोटे छोटे एक्शंस बताते हैं कि आप अपने बेंच पे आप हाथ ऊपर कर लीजिए या नीचे टेक लीजिए, इससे क्या होता है कि आपको स्ट्रेस आपका रिलीज होना शुरू हो जाएगा, आपके मन में तुरंत वैराग्य भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, और वैराग्य भाव से आप डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। जो भी स्ट्रेस होगा आपको, आपके टीचर का स्ट्रेस है, आपको आपके कलीग का स्ट्रेस है, आपको अपने असाइनमेंट का स्ट्रेस है, आपके टारगेट का है, अपनी डेडलाइन का स्ट्रेस है, अपने कॉम्पिटिशन का स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेस है आप उससे थोड़ा 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 यू विल सी द डिफरेंस कि आपको डिटैचमेंट शुरू हो जाएगी। दिस इज देयर इन द, ये सारे योगा के सारे बुक्स में है, सब जगह है कि ये भावास क्रिएट होते हैं जब हम आसनास और ये सब प्रैक्टिस करते हैं, तो एक तो ये जरूरी है। एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक के बारे में, ये डॉक्टरी से है, इसको मैंने योगा से रिलेट किया है, दिस इज नोवेयर इन द बुक्स, तो अगर आप दो मिनट भी इसमें ध्यान दे के समझ पाए तो आपको हमेशा के लिए एक कंसेप्ट बन जाएगा। हमारी बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो में डिवाइडेड होता है, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक। पैरासिम्पेथेटिक जितना भी होता है, आप एक मोटी मोटी बात समझ लीजिए, पैरासिम्पेथेटिक में एक सीधी सी बात है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रिलैक्सेशन का सिस्टम होता है, और सिंपेथेटिक होता है फाइट और फ्लाइट का, जब आप लड़ रहे होते हैं या फ्लाइट के लिए भाग रहे होते हैं, भागा दौड़ी में होते हैं, तो सिंपेथेटिक एक्टिवेट होता है। मतलब ये सिंपल तरीके से मैं आपको बिल्कुल लेमैन वर्ड में समझा रही हूँ, पैरासिम्पेथेटिक मतलब आप एकदम रेस्ट वाले में, और सिंपेथेटिक मतलब लड़ने धड़ने वाले में। तो जब आप पैरासिम्पेथेटिक, जितनी देर आपका बॉडी का, ये तो आप समझते हैं, जितना आप रिलैक्सेशन वाले में एक्टिवेटेड रहेंगे, अब ये कैसे कैसे हो सकता है, आप सो सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ये जो मैं टेक्निक्स आपको बताने जा रही हूँ वो सब कर सकते हैं, वो सब करेंगे तो आपका पैरासिम्पेथेटिक ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। इससे क्या होगा, इसके देखिए इफेक्ट्स आपको, ये ब्रेन है हमारा और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और ये सब के ये नर्व्स बनी हुई हैं और ये सारे ऑर्गन्स हैं, तो हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा, हार्ट रेट स्लो होगा,
ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी, हम यूट्रस रिलैक्स होगा, यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होगा, ये सब प्यूपल जितने भी ये है सारे रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटीज हैं, तो मेरी बॉडी इसमें सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं। और जो पैरासिम्पेथेटिक है, जब मैं फटीग में आती हूँ, जब मैं स्ट्रेस में आती हूँ, जब मेरे अंदर कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, जब मेरे अंदर ये सारा सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाती हूँ, तो मेरा एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट होता है, एड्रेनल ग्लैंड से मेरे को एड्रेनलिन जो स्ट्रेस हार्मोन है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी डिक्रीज होती है, स्वेट आता है, ये सारे इंक्रीज होती है हार्ट बीट, ये सारी चीजें जो हैं ये नेगेटिव होने लगती है मेरी बॉडी में। तो इससे आप ये आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है जिसे मैं आपको समझा सकती हूँ कि कैसे आप हल्का सा स्ट्रेस, एक नेगेटिव थॉट भी आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है। अब आप जितना ज्यादा पैरासिम्पेथेटिक में रहेंगे, आप 6 से 8 घंटे सोइए, आप आराम से रिलैक्स करिए, आप अपने थॉट्स अच्छे रखिए, विचार अच्छे रखिए, आप मेडिटेशन करिए, आप कॉन्शियसली रिलैक्स करिए, तो आपका पैरासिम्पेथेटिक जितना एक्टिवेट रहेगा आपकी बॉडी में रीजेनरेशन होगा। जब आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी खत्म हो जाएगी उसके बाद रीजेनरेशन होगा, एवरी 3 मंथ्स न्यू सेल्स बनेंगे, आप यंग रहेंगे। जो आप सर ने कहा जो 100 साल जीते हैं योगी, उनकी यही एक सीक्रेट होती है कि उनके अंदर वो इतनी हीलिंग कैपेसिटी होती है नेचुरल वे में, क्योंकि उनका पैरासिम्पेथेटिक हमेशा एक्टिवेटेड रहता है कि उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे एक बनाया 5-स्टार वे ऑफ लिविंग और 5-पॉइंटर प्लान। I call it a 5-star way of living because अगर आपने ये 5 भी follow कर लिए तो आप 5-star जैसे ही जीने वाले हैं। इसमें हमने 5-star में रखा है AVAV, जिसे आहार विहार आचार विचार कहते हैं, अनित्य भावना, रिफ्लेक्शन टेक्निक, प्रतिपक्ष भावना, और एक है डायरी में 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना। तो ये 5 टेक्निक्स हैं जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट बस्टर टेक्निक्स भी कहते हैं, 5-pointer plan। अगर आप ये 5 टेक्निक भी कर लें तो आप आराम से अपने स्ट्रेसेस को फाइट कर सकते हैं। AVAV में आहार विहार आचार विचार आता है, जिसमें हम चारों पिलर्स को कैसे बैलेंस करके रख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अनित्य भावना एक वर्ड में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी हम डिटेल में पूरा पावर पॉइंट देखेंगे, बट एक एक वर्ड में इनके बारे में बता रही हूँ इंट्रोडक्शन। अनित्य भावना मतलब नथिंग इज परमानेंट। जब हम समझते हैं कि क्या परमानेंट है, तो क्या हमारी ये बॉडी परमानेंट है, क्या सुबह से शाम तक कोई चीज परमानेंट रहती है, क्या हमारा घर परमानेंट है, क्या हमारी जॉब परमानेंट है, क्या आज हमारा कॉलेज परमानेंट है, थोड़े टाइम के लिए सब कुछ है पर थोड़े टाइम, या क्या पैंडेमिक परमानेंट था, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो अनित्य भावना हमें डिटैच करती है हर चीज से कि तो कोई नथिंग इज परमानेंट, ऐसी हमारी प्रॉब्लम्स भी परमानेंट नहीं होती। तो इट्स अ टेक्निक जो हम सीखेंगे। फिर रिफ्लेक्शन टेक्निक है। रिफ्लेक्शन टेक्निक में हम मेडिटेशन करते हैं एवरी नाइट बैठ के, जो हम पूरा हमारी दिनचर्या होती है उसको वॉच करते हैं, ताकि हमारे अंदर एक स्पेक्टेटर लाइक ऑब्जर्वर लाइक एक हमारे अंदर एक वो जग जाए कि सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करना है पूरा दिन, और उससे डिटैच होना है और अपना कर्तव्य भली भांति अच्छे से करना है, श्रद्धा पूर्वक और टू द बेस्ट करना है। तो दैट इज अ टेक्निक विच आई टीच यू। एंड प्रतिपक्ष भावना, जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आए, कोई भी थॉट आए, आप उसका ऑपोजिट नेचर का करिए। सपोज आपको आपको थॉट आ रहा है कि आई एम गोइंग टू डाई, कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बीमारी होगी आपको लग रहा है आई एम गोइंग टू डाई, बट आपने तुरंत उसके ऑपोजिट नेचर का थॉट क्रिएट किया, नो आई विल सर्वाइव फॉर 100 ईयर्स, आई विल सर्वाइव फॉर, अभी तो मेरे को बहुत जीना है, अभी तो मैं इसके सोल्यूशन निकालूंगा, अभी तो मेरे को इसकी ट्रीटमेंट कराऊंगा, अभी मेरे को ठीक होना है। तो उसका जस्ट ऑपोजिट नेचर का थॉट क्रिएट करना इस प्रतिपक्ष भावना, जो कि हमारे लिए ड्रेडफुल सिचुएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जनरली जब नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो एंटैंगल होना शुरू हो जाता है। फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज है डायरी में T10PP। ये आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप सबके सब एक जर्नल बना लें या एक डायरी बना लें, एक ही बनाएं परमानेंट अपनी, और एवरी डे रात में सोने, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, आप रात में सोने से पहले एवरी डे 10 पॉजिटिव पॉइंट आपको दिन में कुछ भी जो भी अच्छे लगे हो, जैसे आज धूप बहुत अच्छी थी सर्दियों में, या आज बारिश बहुत अच्छी थी, छोटी छोटी चीजों में जब आप पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू करेंगे, या आज मैंने ये मील कुक करी, या छोटी छोटी चीजें, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत पॉजिटिव के लिए बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए। फिनलैंड में मेरी एक स्टूडेंट रहती है, वहां पे 3 महीने सूरज नहीं निकलता, और 3 महीने सूरज निकलता, तो जिस दिन सूरज निकलता है वो पॉजिटिव पॉइंट में ये लिखती है कि आज सूरज निकला। तो सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी बात है, और हमारे लिए तो हम तो सूरज को पूछते भी नहीं है, हमारे लिए इट्स वेरी कॉमन, एवरी डे सूरज निकल रहा है,
ठीक है निकल रहा है तो निकल रहा है, हमें उसकी ना थैंक यू है ना हमें उसकी पॉजिटिविटी है ना कुछ है। तो छोटी छोटी चीजों में जब आप 10 पॉजिटिव पॉइंट्स एवरी नाइट सोने से पहले लिखेंगे, आप एक वो बना लीजिए कि 10 तो लिखने ही है, सोने से पहले एवरी नाइट यू राइट 10 पॉजिटिव पॉइंट्स इन द डायरी। और अगर आपको 10 नहीं मिल रहे हैं तो आप छोटी छोटी चीजों में ढूंढिए, जैसे खाने में, सोने में, उठने में, कोई फ्रेंड विजिट करी, या आपने कोई असाइनमेंट दिया, या आपने कुछ किया, या आपने कुछ, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, या कुछ आपका कोई अच्छी फ्रेंड बनी है, कुछ भी जो भी आपकी पॉजिटिविटी है, या आपने कोई सीरियल बहुत अच्छा देखा, या आपने कोई बहुत अच्छी लर्निंग करी, या आपने आज कोई बहुत अच्छी नॉलेज सीखी, या आज आपने वर्कशॉप अटेंड करी, तो जो भी आप पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना चाहें, एक ही जर्नल बनाएंगे तो आपकी एक सिंक्रेसी बनी रहेगी, आपका एक रूटीन बना रहेगा, एंड एवरी डे आप उसमें लिख सकेंगे। और जब आप उसे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी है। और जब आप रोज सोएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोने से पहले इतना पॉजिटिव होकर सोएंगे कि मेरे पास 10 चीजें हैं दिन में, दिन भर में जो मैंने अच्छी करी, और हर छोटी छोटी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना आप शुरू भी कर देंगे। तो हम पहले एवीएवी से शुरू करते हैं, ये सारी टेक्निक्स हम एक एक करके अभी चर्चा करेंगे। तो एवीएवी इज आहार विहार आचार विचार, ये चार पिलर्स हैं हेल्दी लिविंग के। और आहार विहार आचार विचार में हम अब क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये देख लेते हैं। आहार स्टैंड्स फॉर फूड एंड वेलनेस, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, हाउ मच टू ईट, ये सारा आहार में आता है। विहार हमारा, विहार आप थोड़ा सा याद रखने की बात है कि रेस्ट, रिक्रिएशन, स्लीप और वेलनेस। विहार मतलब जो भी हमारा रेस्ट, जो हम मैंने बताया था आपको पैरासिम्पेथेटिक से कनेक्टेड, हम जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट करते हैं, जो भी हमारा रेस्ट से, रिक्रिएशन से, स्लीप से है रिलेटेड, वो सारा विहार में आता है। आचार में हमारा रूटीन, पैटर्न, हाउ टू सेट एंड फॉलो रूटीन टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, जो भी हम आसनास कर रहे हैं, जो भी हमारा दिनचर्या है, जो भी हम अपना रूटीन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो सारा हमारा आचार में आता है। देन स्टैंड फॉर विचार, विचार इज पॉजिटिव थॉट, हमारा गोल क्या है लाइफ में, हमारा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, हम सोचते क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोच, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, एवरी डे रिफ्लेक्ट करता है हमारे सिस्टम को, हमारे बॉडी को, हमारे हार्मोनल लेवल को। हर विचार, हर छोटा सा विचार भी हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट कर रहा है एवरी सेकेंड दोस्तों। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द फोर पिलर्स, जो आशुतोष जी ने भी कहा एवीएवी आचार विचार, आहार विहार आचार विचार के बारे में, कि चारों पिलर के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। देन व्हेन वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल द फोर पिलर्स इक्वली, देन वी आर एबल टू लीव अ लीड अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। एंड अगर इसमें किसी में भी इम्बैलेंस होगा तो उसी में आपकी इलनेस या सफरिंग हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा इसको हल्का सा इस टेक्निक को किया, क्योंकि यू नो ये प्रिस्क्रिप्शंस बनाते हैं योगा थेरेपिस्ट एवीएवी के, एंड दे चार्ज अ लॉट फॉर दिस, बट आई एम गोइंग टू गिव यू दिस, ये छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आपको इस वर्कशॉप से याद रह जाएंगे तो आप सात्विक फूड खाइए, सात्विक मतलब जो हमारा वेजिटेरियन एंड रोटी दाल सब्जी एंड ग्रीन, मतलब हमारा जो एक सात्विक फूड जिसे कहते हैं, वैसे सात्विक, तामसिक, राजसिक होता है। तो तामसिक तो खाना ही नहीं, क्योंकि वो तो नॉनवेज और वो सब होता है। राजसिक में हमारे सारे स्पाइसेस वगैरह आ जाते हैं। सात्विक इज अ प्योर, विच इज यू नो जैसे ये रोटी दाल चावल की सब्जी और ये सब सब्जी ये लगी हुई है फोटोज। तो सात्विक डाइट इज अ प्योर न्यूट्रिशियस डाइट विच इज फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, एंड इज अ सिंपल डाइट। तो सर्टन फ्रूट्स, सर्टन फूड्स प्रोवाइड कम्फर्ट, इंक्रीज द लेवल ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी विच फाइट स्ट्रेस अपने आप से। तो ये सात्विक फूड जो है ये स्ट्रेस को फाइट करने में बहुत काम आता है। फिर आप थोड़ा सा वार्म लिक्विड या पानी जो जितना पी सकते हैं, उससे टॉक्सिन्स जो मैंने आपको बताए थे शुरू में कि बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, वो सारे वॉश आउट होने लगते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट जो होती है, उसमें इंक्रीज सेरोटोनिन होता है, तो उससे ये एक कंसेप्चुअल है डाइट के हिसाब से, तो उसके हिसाब अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स वाले ज्यादा खाएंगे तो आपको स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा। फिर थोड़ा डेंस फूड, मतलब थोड़ा हैवी फूड, डेंस फूड कम खाना है। नट्स बहुत अच्छे हैं, विटामिन सी इज अ वेरी गुड सोर्स, विटामिन सी जैसे नींबू है या आपका संतरा है, ये सब विटामिन सी के जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, विटामिन सी रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, और कॉर्टिसोल जो मैंने आपको स्ट्रेस हार्मोन बताया था वो उसको ये डिक्रीज करता है। तो विटामिन सी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, आप मतलब लेमन वाटर बीच बीच में पी सकते हैं,
पानी पीना बहुत अच्छा है, आप 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, लेमन वाटर पीजिए, संतरे का जूस पीजिए, ये सिट्रस फ्रूट खाइए, दिस इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस। तो ये था आहार के बारे में। देन वी हैव विहार। विहार में आपको रिलैक्सेशन करना है, यू शुड लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड टू रिएक्टिंग, यू शुड नॉट रिएक्ट एवरी टाइम, यू शुड लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड, आपको स्लो रिएक्शन रखने हैं अपने। ये कुछ हमारे टेक्निक्स होते हैं निष्पंद भाव, इसमें क्या होता है कि आप म्यूजिक को वॉच कर रहे हैं बैठ के, एंड म्यूजिक को बस आप उसी में खोए हुए हैं, एंड यू आर जस्ट वॉचिंग द साउंड फ्लोइंग बाय। तो इसे निष्पंद भाव टेक्निक कहते हैं, इससे पॉजिटिविटी रहती है। आप अपनी हॉबीज फैमिली के साथ टाइम प्ले करना, गेम्स प्ले करना, वॉकिंग कर सकते हैं, सिंगिंग डांसिंग कर सकते हैं, सोशलाइजिंग कर सकते हैं। एडिक्वेट स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, एनाबॉलिक हार्मोन प्रमोट करता है, इम्यूनिटी आपकी प्रमोट करता है, बर्निंग गुड, फैट बर्निंग के लिए गुड होता है, होम्योस्टेसिस के लिए अच्छा होता है। होम्योस्टेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी बाहर के एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अडेप्टेड रहती है। सपोज मैं अभी बैठी हूँ और एयर कंडीशन में बैठी हूँ, और अगर मेरे को मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है और वो एयर एसी से अडेप्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर क्या हो रहा है, दिस इज होम्योस्टेसिस। तो इसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, हमारा बीपी, टेम्परेचर, हमारे वाइटल सारे मेंटेन होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एडिक्वेट स्लीप, 6 से 8 घंटे, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आपका कुछ भी प्रायोरिटी हो बट आप 6 से 8 घंटे सोइए तो आपका सारा सिस्टम ठीक रहेगा। एंड आपको ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताई जा रही हैं अभी, आई टेल यू सम मेडिटेशन ऑल्सो इन द एंड, तो उसको आप बीच बीच में एवरी आवर 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। फिर आचार, आचार में क्या है, आचार में आपका प्रॉपर रूटीन, आपके आसनास थोड़े बहुत आप जो भी आप जानते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग ही कर लीजिए। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पोस्चर में ही खड़ा होना, कोई आपको देख रहा है, आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर लीजिए, आप बैकवर्ड बेंडिंग कर लीजिए, आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, जो भी आपको अनुलोम विलोम दो तीन प्राणायाम वगैरह आते हैं, आपकी जो ब्रेथ है, इनहेलेशन, इक्वल ब्रीदिंग कर लीजिए, थोड़ा डीप इनहेलेशन कर लीजिए, इसी से आपका बहुत सारा स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। ये आचार में आता है आपके रूटीन में। देन विचार में आपको फेथ डेवलप करने पड़ेगा, आपको भगवान पे या किसी हायर रियलिटी पे, किसी पे तो आपको एक फेथ डेवलप करना पड़ेगा, जिसे हम ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं, जिसे हम सरेंडरिंग टू गॉड भी कहते हैं। फिर मेडिटेशन करके आपको अपने विचार थोड़े ठीक करने पड़ेंगे। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप 100 to 1 की काउंटिंग कर सकते हैं, 1 to 100 की काउंटिंग करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो 10 positive points मैंने आपको डायरी में लिखा है उससे भी आपके विचार धीरे धीरे, इट इज एक्सरसाइज, आप 1 महीने लिख के देखिए, फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी, पर आपके विचार ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिविटी ही दिखने लगेगी, क्योंकि आपका तरीका हो जाएगा छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढने का। फिर करुणा, मुदिता, उपेक्षा, गुडविल, किसी के लिए गुडविल, किसी के लिए गुड विशेस, किसी के लिए फ्रेंडलीनेस, ये सारी जो परिक्रमा जिन्हें हम कहते हैं, ये सारा हमें रखना चाहिए। एटीट्यूड लोगों के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अगर हम पॉजिटिविटी रखेंगे, कहीं से नेगेटिविटी आ भी रही है तो आप उसको, अगर अपने विचारों का शुद्धिकरण रखेंगे और उसको लेट गो भी कर देंगे थोड़ा बड़प्पन दिखा के, तो आप ही की उसमें विजय है। और कर्मयोगा एटीट्यूड कि डू योर बेस्ट, कर्म गीता की भी फिलोसफी यही कहती है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। तो आप अपना करिए बेस्ट कर्मा में, आप अपना बेस्ट, अपना योगदान दीजिए और उसके बाद उसके फ्रूट्स गॉड पे छोड़ दीजिए, डेफिनेटली यू विल रिसीव गुड थिंग्स। तो उसके लिए आपको विचार, तो ये था कि हाउ योगा कनेक्ट्स एंड काम्स योर माइंड थ्रू योर बॉडी। एंड आई वुड लाइक टू से टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल ऑलवेज डू। तो बुरा समय नहीं रुकता दोस्तों, पर जो हम टफ लोग हैं, हम जो मजबूती से उसमें हम मजबूत बन जाते हैं और मजबूती से उसमें निकल जाते हैं, वो हमेशा टिकते हैं। सो योगा कनेक्ट्स एंड काम्स योर माइंड थ्रू योर बॉडी, जो हमने सीखा आसना से कैसे माइंड एंड बॉडी कनेक्ट होती है। एंड ये भी एक फेज होता है, जैसे कोरोना और ये जैसे सब चीजें निकल गई, इसी तरह से आपके सारा बुरा टाइम जब भी आया, आप एक ये लाइन याद रख लीजिए, दिस शैल टू पास बाय। तो आप याद रख लीजिए कि जो भी समय है निकल जाएगा। ये मैंने एक पिक्चर ली है, ये मेरी बहुत फेवरेट पिक्चर है, इसमें हमने अष्टभुजाधारी मॉडर्न दुर्गा दिखाई है। इसमें ये शी इज डूइंग सो मच ऑफ ऑफिस वर्क, इसकी 8 भुजाएं हैं और इसने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, ये मॉडर्न दुर्गा है, इसे 8 भुजाओं से काम कर रही है और इसकी एफिशिएंसी इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि शी इज प्रॉपर ईटिंग, आहार का ध्यान है, विहार रेस्ट का ध्यान है,
रूटीन का ध्यान है और विचारों का ध्यान है, इनका चारों का संतुलन है, इसलिए शी इज यू नो शी इज सो एफिशिएंट, शी इज सो प्रोडक्टिव। अगर आप अपनी इन सब पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं, एक तो आप हेल्दी भी रहते हैं, स्ट्रेस को तो मैनेज कर ही सकते हैं, पर आप हेल्दी के साथ साथ आपकी एफिशिएंसी, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क, यू आर मोर एफिशिएंट। नाउ वी कम टू द सेकंड थिंग जो था अनित्य भावना। तो ये स्लाइड आप हमेशा के लिए पिक्चर अगर याद कर ले, अनित्य भावना का एक ही मतलब है, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट है अनित्य भावना का मतलब। अगर अब मैं आपसे सोचने को बोलूं या विचार करने को बोलूं कि क्या परमानेंट है, आप सोच के बताइए, तो आप, या मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, सो यू नो उससे पहले वील जस्ट गो थ्रू दिस। तो ये पैराग्राफ है जो ये कहता है, वॉट वॉज इन द मॉर्निंग इज नॉट इन अ मिड डे, वॉट वॉज इन द मिड डे इज नॉट इन द नाइट, फॉर ऑल थिंग्स आर ट्रांजिटरी विच इज अनित्य, आर बॉडी विच इज द कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एफर्ट इज अ ट्रांजिटरी एज स्कैटरिंग क्लाउड्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेजर आर चेंजिंग, वेल्थ इज ट्रांजिटरी एज अ वेव, youth like a cotton particle blow off in a windmill, and opportunities like fleeting dreams. Why should I be attached to anything when nothing is permanent and everything is changing? The pondering over transitories, that is anityata of all the thing, is known as anitya bhavna. So is pe main aapko ek story sunana chahti hu. Ek raja tha, uski char wives thi, you know, jab wo death bed pe jane laga, uski death hone lagi, सो उससे पूछा गया कि भाई अब तुम अपना राज त्याग त्यागो, अब तो तुम्हें डेथ बेड पे जाना है, सो व्हाट इज योर प्लान? तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तो अकेले नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा चारों रानियों से घिरा रहा हूं, तो मैं तो चारों को साथ लेके जाऊंगा। उसने कहा पूछ लो कौन आपके साथ जाना चाहता है। उसने पहली रानी से पूछा, उसने सबसे छोटी रानी से पूछा, तो छोटी रानी ने उसे साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद उसने तीसरी रानी, बहुत सुंदर थी, उसको वो हर जगह ले जाता था राजपाट में, उससे पूछा तो उसने भी उसे मना कर दिया। सेकंड रानी बहुत इंटेलेक्चुअल थी, उसे वो डिसीजंस करवाता था उसे अपने राजपाट के, उससे पूछा, उसने कहा मैं शमशान तक तो चलूंगी बट उसके आगे नहीं जाऊंगी। फिर उसने पहली रानी से पूछा तो वो तैयार हो गए। तो जो चौथी रानी थी वो थी हमारी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हम बहुत अटैच होते हैं, हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उससे, बट हमारी बॉडी सबसे पहले हमारा साथ छोड़ती है जब हम डेथ बेड पे जाते हैं। तीसरी रानी बहुत सुंदर थी, तो वो थी उसकी वेल्थ, जो हम सबको शो ऑफ करते हैं, हम हर जगह अपनी कार्स, अपने हमारे जितने भी हमारे घर है, हमारी वेल्थ है, हमारा सब प्रॉपर्टीज हम दिखाना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट, वो हमारा कोई साथ नहीं जाती। दूसरी रानी बहुत समझदार थी, इंटेलेक्चुअल थी, जिसको वो राजपाट के डिसीजंस में करवाता था, तो वो है हमारे रिश्तेदार, जो हमारे साथ शमशान घाट तक तो जाएंगे। उसने कहा मैं शमशान घाट तक तो चलूंगी पर उसके आगे नहीं जाऊंगी। और पहली रानी है हमारे कर्म, हमारी सोल, हमारा कर्म, जो हमारे साथ जाता है, जो हमारे साथ जन्मों जन्मान तक रहता है। तो आज आपके पास सोचने की ये बात है कि अगर आप सोचें कि परमानेंट क्या है, तो परमानेंट सिर्फ हमारा कर्म है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइफ आफ्टर लाइफ, बर्थ आफ्टर बर्थ आपके साथ रहेगा। आपकी सोल परमानेंट है क्योंकि उसमें वो रिकॉर्डिंग रहेगी जो आपने कर्मास किए हैं, जो कर्मास आपने किए हैं, जो आपने अपने छोटे बड़े भी हर चीज का एक फिक्स्ड, यू नो, एक फिक्स्ड हमारे पास एक दिन के लिए हमारा भाग्य होता है, पर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करना चाहते हैं, कर्मास, राइट कर्मास करके या रॉन्ग कर्मास करके। So, इसीलिए यू नो हमें डिसाइड करना है कि हमारे कर्मास, हमारा सोल और एक भगवान, ये तीन चीज परमानेंट है, बाकी ना ये घर परमानेंट है, ना ये बॉडी परमानेंट है, ना ये रिश्तेदार परमानेंट है। आई नो इट इज वेरी, एकदम से सुन के आपको एकदम वैराग्य भाव तो नहीं जगेगा, आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या इतनी फिलोसफिकल बातें हो रही है, बट दिस इज अ थिंग यू शुड रियलाइज, ताकि जब आप ये सब करें, आप जब ये रियलाइज करें, कोई टेंशन आए आपके प्रति, कभी सपोज किसी के आप किसी कोई लॉस हो गया आपको, या कोई जॉब चली गई, तो आप ये रियलाइज करें कि ठीक है, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज जस्ट अ फेज एंड दिस विल पास बाय। वहां आप ये अनित्य भावना की टेक्निक अप्लाई कर सकें और आप वहां समझ सकें कि जो आज सुबह परिस्थिति है वो दोपहर में नहीं रहेगी, जो दोपहर में है वो शाम को नहीं रहेगी, और जो शाम को है वो रात में नहीं रहेगी, और ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो मैं क्यों इतनी चीजों से अटैच हूं, और मैंने क्यों, बातें बड़ी नहीं होती, हम उनको सोच सोच के बड़ा बना लेते हैं। तो हमें बातों को सोच सोच के बड़ा नहीं बनाना है, वी हैव टू कट डाउन ऑन थिंग्स। ठीक है,
ठीक है, तो ये तीसरी चीज है. सो दिस इज द रिफ्लेक्शन टेक्निक. ये तीसरी टेक्निक है. इसमें हमें क्या करना है, हमें एवरी नाइट यू नो वी हैव टू सिट इन शुक्र या वज्रासन, मतलब नॉर्मल आप आलती पालती मार के बैठ जाएं किसी भी पोस्चर में अपने बेड पे, और आंखें बंद करके मतलब ध्यान पूर्वक स्थिति में बैठ जाएं. एंड अगर आप फ्लोर पे बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप अपने बेड पे भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं. और आपको करना क्या है कि आपको मेंटली पैसिवली वर्ड यूज में इसलिए कर रही हूँ कि आप स्ट्रेन नहीं देंगे. जनरली यू नो मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं जब वो नए होते हैं तो वो क्या करते हैं कि फोर्सफुली सोचने लग जाते हैं. तो फोर्सफुली नहीं सोचना है, आपको पैसिवली रिव्यू करना है सेम डे का. सुबह से आज मैं सुबह उठी और मैंने क्या क्या किया. आज मैं सुबह उठी तो मैं उठ के फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद मैं ऑफिस गई, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद मैं पेट के साथ खेली. आपकी सीक्वेंस में जो भी आपको याद आए, आपको प्रेशर नहीं डालना है दिमाग पे. जब आप पैसिवली करेंगे तो आपको कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा दिमाग पे. जब अगर आपने एक्टिवली करना शुरू कर दिया तो रात में ब्रेन एक्टिव हो जाएगा एंड अननेसेसरी आपकी स्लीपिंग में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है. तो जितना याद आ रहा है, जो याद आ रहा है, आराम से ये सारी टेक्निक्स इंजॉय करने वाली है. ये मेडिटेशन है तो रिलैक्स वे में करना है. आप आराम से बैठ के सोचिए कि सुबह से क्या क्या हुआ आग बंद करके, और आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए कि मैंने पहले ये किया, फिर दूसरी बार ये किया, फिर ये किया. और ना आपको जज करना है और ना आपको एनालाइज करना है. व्हेन यू गो डीपर इनटू द टेक्निक, जब आप लिस्टिंग के आगे उसको उसके अंदर जाने लगते हैं, तब वी हैव टू एनालाइज अ स्टेट ऑफ माइंड कि हमारी फीलिंग्स क्या है उस टाइम पे. मतलब बस हमें ये रियलाइज करना है, हमने जब ऑब्जर्व किया सुबह से लेकर शाम तक कि मैंने ये किया रात में, तो मुझे क्या बनेगा, एक साक्षी भाव आएगा मेरे मन में कि मैं आज सुबह उठी, ये ड्रामा चल रहा है मंच पे और मैं एक इसमें एक पार्टदार हूँ, मैं एक रोल हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैंने अपना पार्ट किया, आई डिड माई पार्ट टू माई बेस्ट. कर्म भाव एटीट्यूड आएगा गीता वाला कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक ये अच्छे से किया, आई डिड दिस टू माई बेस्ट. एंड यू लीव द रेस्ट टू गॉड, यू आर नॉट अटैच टू द फ्रूट्स, यू आर नॉट अटैच टू एनीथिंग. एंड आपने रिफ्लेक्शन आपको एक तो आपकी मेमोरी को भी शार्प करता है, आपको डिटैच करता है सब चीजों से, आपकी अवेयरनेस लाता है. अगले दिन आपको लगेगा कि अगर आप किसी पे चिल्लाने वाले होगे फॉर एग्जांपल, तो आपको लगेगा अरे 2 सेकंड का ब्रेक ले लेती हूँ, नहीं तो रात में बैठ के सोचना पड़ेगा कि उस पर चिल्लाया था तो मेरा मूड खराब होगा. सो यू नो दीज टेक्निक्स विल हेल्प यू टू बी दिस इज एंड इन क्वालिटी ऑफ माइंडफुलनेस. आप ज्यादा माइंडफुल बनेंगे, आप ज्यादा अवेयर होंगे अपने बारे में, आप जो भी करेंगे उसमें बेस्ट करेंगे और आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होगी. सो यू नो टू कल्टिवेट मेंटल डिटैचमेंट, रिफ्लेक्शन इज प्रैक्टिस इनिशियली टू ट्रेन द माइंड टू बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ इट्स ओन थिंकिंग. रिफ्लेक्शन इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ डीपर एंड मोर एडवांस प्रैक्टिस ऑफ अ सेल्फ स्टडी विच इज कॉल्ड अनित्य भावना. इट्स अ जैन योगिक टेक्निक. अनित्य भावना, इसी में डीप चले जाते हैं. तो आपने जो पूरा आपने आपको रिफ्लेक्ट किया पूरे दिन, आपने फिर एंड में सोचा कि अरे जो भी पूरे दिन हुआ वो तो परमानेंट नहीं था, इट वॉज नॉट परमानेंट, सो यू आर डिटैच फ्रॉम इट, वही हो गई अनित्य भावना. तो इट कैन बी प्रैक्टिस डेली, इट इज प्रैक्टिस बिफोर बेड टाइम. देर आर नो लिमिटेशंस एंड इट कैन बी प्रैक्टिस बाय ऑल. नो लिमिटेशंस, नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस. एंड इसकी सबसे अच्छी बात है, इसके जो मुझे बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं वो ये है कि यू नो आप माइंडफुल बनेंगे, आप ज्यादा अवेयर होंगे अपने बारे में, यू विल डू द बेस्ट. आप अगली बार सोचेंगे कि मुझे रात को बैठ के सोचना है तो मैं जो भी कर रही हूँ मैं ढंग से करूँ, क्योंकि मुझे रात में फिर अपने आप को ही जवाब देना पड़ेगा. आई हैव टू एनालाइज. यू विल बी चेकिंग योर ओन सेल्फ. सो व्हेन यू आर योर ओन चेकर देन यू डू एवरीथिंग टू द बेस्ट एंड आपकी मेमोरी पावर भी शार्प होगी. देन दिस इज द लास्ट टेक्निक विच विल बी टॉक अबाउट, विच इज प्रतिपक्ष भावना. प्रतिपक्ष भावना इज थिंकिंग पॉजिटिव. सीधी सी एक आप ये पिक्चर याद कर लें तो इट इज अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव. नेगेटिव को आपको डिलीट करना है, आपको थिंक पॉजिटिव करना है. इसमें एक मैंने पिक्चर का एग्जाम्पल दिया है कि अगर मेरे को किसी ने आधा ग्लास पानी दिया, अब ये मेरा इंटेलेक्चुअल है या मेरी ये व्यू है या ये मेरा वो है कि मैं इसको कैसे देखती हूँ कि आधा ग्लास भरा हुआ उसने दिया या आधा ग्लास खाली दिया. मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ कि उसने मुझे आधा ग्लास भरा हुआ पानी दिया, और मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ कि इसने मुझे आधा ग्लास खाली पानी दिया. तो अगर मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मेरे पास आधा ग्लास पानी है
तो मैं इसको आई कैन थिंक कि चलो कम से कम उसने मुझे आधा ग्लास पानी तो दिया, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अरे उसने मुझे सिर्फ आधा ही ग्लास पानी दिया. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, जस्ट कल्टिवेट अ ऑपोजिट नेचर ऑफ थॉट, जस्ट ऑपोजिट थॉट कि उसने मुझे कुछ पॉजिटिव तो किया. तो प्रतिपक्ष भावना इज अ मेथड दैट हेल्प अस टू कैच द डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स एंड रीडायरेक्ट अ माइंड बैक टू द योगिक पाथ. This is done actively by cultivating thoughts of opposite nature when a destructive thought arises. It can even be simple as formulating the opposite thought. Sometimes we find that just thinking the opposite thought brings us instant calm and relief. It feels us better to think compassionate thoughts, especially in different instances. So just, you know, cultivating opposite thought, it is the most challenging. ये हम inversions करते हैं yoga में कि सर के बल खड़ा होना है, shoulder stand पे खड़ा होना है. ये जो प्रतिपक्ष भावना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट चैलेंजिंग इन्वर्जन है कि आप ऑपोजिट नेचर का थॉट क्रिएट कर दीजिए. अगर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है आई एम गोइंग टू डाई, आप सोचिए नो आई एम गोइंग टू लिव फॉर 100 ईयर्स, क्या है, लेट मी लुक इनटू सॉल्यूशंस, क्या प्रॉब्लम है. या आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि ऐसा ना हो जाए, तो आप उसका जस्ट ऑपोजिट नेचर का थॉट क्रिएट कर दीजिए. सो टू कंक्लूड, दीज आर द 5-star वे ऑफ लिविंग, 5-pointer प्लान. हमने आहार विहार आचार विचार के बारे में बात करी, इनके बीच में बैलेंस कितना जरूरी है, आपका खाना, आपकी सात्विक डाइट, आपका विटामिन सी लेवल, आपका 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, आपका आचार, आपका रूटीन, आपके थोड़े से आसन या इक्वल ब्रीदिंग या डीप इनहेलेशन, या आपका विचार कितना इंपॉर्टेंट है. फिर अनित्य भावना में हमने नथिंग परमानेंट की बात करी, मैंने आपको स्टोरी सुनाई एंड मैंने आपको बताया कि कैसे आप अनित्य भावना में आप डिटैच हो सकते हैं चीजों से. फिर रिफ्लेक्शन टेक्निक में कैसे हमने जाना कि आप बेड टाइम पे सिर्फ सिंपली आपको पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक रिफ्लेक्ट करना है, दैट यू नो कैसे आपको, आपने क्या क्या दिनचर्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पैसिवली आराम से रिलैक्स वे में कि कैसे आपने क्या क्या आपने क्या एक्टिविटीज करी, और उससे डिटैच होना है और उसको समाप्त करना है, और उसमें एक आप बेटर होते जाएंगे एवरी डे. ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, पर आप जब इन्हें डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, वो पॉजिटिविटी, वो जो आपके बॉडी का सिस्टम है, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो गया. देन प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना में हमने बात करी कि कैसे ऑपोजिट नेचर की आधा ग्लास भरा हुआ देखें कि आधा ग्लास खाली देखें, कि आप कैसे एकदम ऑपोजिट नेचर का थॉट, अगर आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, आप उसी समय सोचिए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, उसी टाइम पे करेक्ट करने से दोस्तों इतना हेल्प मिल जाती है कि हम उस पूरी साइकिल में नहीं फंसते. नहीं तो एक नेगेटिव थॉट फंस के 2-3 घंटे आप पूरा विचार विचार और वो स्ट्रेस का पूरा कारण बन जाएगा. एंड देन डायरी में 10 positive points लिखना. सो दिस इज यू नो ये आप एक जर्नल बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, और ये सारे पांचों आप ये एक्टिविटीज करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा. सो आई वांट टू थैंक यू एंड आई वांट टू से वी ग्रो ओनली व्हेन वी लर्न टू ऑब्जर्व विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ इमोशंस एंड परसेप्शंस. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू सिट फॉर जस्ट फॉर आई जस्ट टेक योर 5 minutes. तो आप एक बार प्लीज आंख बंद करके अगर सब यू नो इफ यू कैन सिट फॉर इन अ मेडिटेटिव पॉस्चर एंड हम 1 मिनट वील जस्ट मेडिटेट. सर बस इतना बता दीजिएगा कि मेरा ऑडियो विजिबल है क्या. 1 मिनट आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. जी ओके, इज इट ऑडिबल. जी जी ठीक है. अब आप सब प्लीज आंख बंद करके रिलैक्स होके थोड़ा सा डीप इनहेलेशन करके आराम से आंख बंद करके रिलैक्स वे में बैठ जाइए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Close your eyes, just relax yourself.
I am a peaceful soul. I am very powerful. I am very healthy, happy, and satisfied. I know nothing is permanent, and this shall too pass by. I am very positive. I know this life is a scripted drama, and I have to keep a witness-like attitude. I have to do my best and leave the rest, do my karma to the best of my ability, and surrender the rest to the Almighty. I accept life as it is. Everything good will happen to me, and only good will happen to me. I am a blessed child in protection of Almighty. I will do my dharma, my duty, first towards myself, then towards my family, society, and nation. I will be a very good student and a very good teacher, and do this noble profession to the best of my ability and knowledge. I thank God for the never-ending and selfless guidance which will stay with me for lifelong. I will perform my role on the stage of life to the best. And I know only good will come to me, and only good will happen to me. And I will be good to everyone at the same time. I am peaceful soul. I am very powerful soul. I am healthy, happy, and satisfied. I am sitting on the globe and absorbing all the positivity and peacefulness within me and radiating it to my house, to my college, to the entire nation. I am a powerhouse and lighthouse of peace, and I can feel this peace within. Okay, now I'll just chant Om thrice. Om. 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 Shanti.
शांति। थैंक यू, नमस्ते एवरीवन। धन्यवाद मैम। और ये आपके जो अंतिम आपने जो उच्चारण किया है, ये वाकई इसने एक सूदिंग इफेक्ट हमारे पे छोड़ा है। और म्यूजिक का भी चुनाव बड़ा उम्दा था, निश्चित रूप से वो प्रशंसा के योग्य है। और बीच में जो आपने हमें 5 पॉइंट्स बताए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के, वाकई उसको हमने नोट डाउन, और ये रिकॉर्ड तो हमने किया ही है, नोट डाउन भी किया है, स्टूडेंट्स ने भी किया है, तो निश्चित रूप से इस सारी बात का हम लाभ उठाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अविनाश जी, और बीच में हाथ उठाया था डॉक्टर संतोष चौधरी जी ने। यदि किसी का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो प्लीज यू कैन आस्क और आस्क ए क्वेश्चन, मेक अ कमेंट और एनीथिंग एल्स यू विश टू। डॉक्टर संतोष चौधरी जी नहीं है तो फिर मैं अविनाश जी को आमंत्रित करूंगा। जी अविनाश जी, मुझे लगता है आपसे हम बात शुरू करते हैं। और चलिए, डॉक्टर संतोष ने अपने को अनम्यूट कर लिया है, प्लीज सर, उसके बाद अविनाश जी। संतोष जी प्लीज, हाँ जी सर, नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर। यू वांट, ओके ओके ओके। अविनाश जी, समवेत समूह को नमस्कार। मैं रितिका गुप्ता जी के आख्यान की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने सारी चीजों को समवाहित करने का प्रयास किया है। एक दो बातें हैं जो मेरे मन में आया, इनके माने कोई विप्रतिपक्ष भावना तो मेरी है नहीं कि इनके बातों को प्रश्न उठा करके खंडित करने का प्रयास करूं। मेरे मन में कुछ बातें आ जाती हैं कभी कभी, वो ये है कि एक बात ये है कि हम पहले ये देखें कि हम वर्तमान में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जितने स्ट्रेस और स्ट्रेन हैं वो दो कारणों से होते हैं मुख्य रूप से। या तो हम अतीत में चले जाते हैं या भविष्य में चले जाते हैं, और इन दोनों में हम बड़े आंदोलित और आद्वेलित दोनों हो जाते हैं। अतीत की जो अशुभ चीजें हैं, जो हम नहीं बन पाए, जो हमें टॉर्मेंट कर रही है, वह हमें आद्वेलित करती है हमारे मन मस्तिष्क को। और दूसरा है कि भविष्य में कुछ बनने की जो परिकल्पना इतनी उद्दाम हो जाती है कि अगर वो नहीं पाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में आंदोलन होता है, आद्वेलित होते हैं, और जो स्ट्रेस हमारे मस्तिष्क में आना आरंभ हो जाता है। और यही कारण है कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में पहुंचता है और बीच में पहुंचने के बाद कहता है कि ये तो मेरे चाचा हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे अमुक हैं, ये अमुक हैं, मैं इनके ऊपर वाण कैसे चलाऊंगा, और लास्ट में कहता है कि कार्पण्य दोषो निहत पहायन पृच्छामितं धर्म सम्मूढ़ चेता, तो मुझे बड़ी अच्छी बात आ गई याद। कृष्ण कहते हैं अशोच्यान वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्चं भाससे गतासूनं गतासुश्चं नानु सोचन्ति पंडिता, तुम उन बातों की ओर चिंतित हो रहे हो जिसका कि वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, और जो शोक करने योग्य नहीं है तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, और इस प्रकार तुम पंडितों के से वचन भी बोल रहे हो कि ये हमारे अमुक हैं, वो ये हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम वर्तमान में रहते हैं तो वर्तमान में रहने का एक लाभ ये है कि आपके समक्ष जो समस्या है मात्र उसी पर आप केंद्रित करें, अगर समस्या ना है तो अपना जीवन सही योग से चलावें, क्योंकि टाइम इज ए थ्री फोल्ड प्रेजेंट। आदमी हर समय वर्तमान में रहता है, काल जो है त्रिआयामी वर्तमान है, पास्ट इज योर मेमोरी, स्मरण में सारी अतीत के चिंतन संकलित रहता है, वर्तमान वर्तमान की अनुभूति है, और भविष्य वर्तमान की चिंता है। तो अगर हम वर्तमान में रहते हैं
तो हमें अतीत टॉर्मेंट नहीं करेगा और भविष्य में क्या बनने की जो चिंता है वो हमें अद्वलित नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान में रहने के कारण ही हम इन सारी चीजों से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं, और तभी स्थित प्रज्ञ की चर्चा हमारे आशुतोष जी ने भी की थी और अपने भी कहा। तो वो कहते हैं कि हम ऐसी स्थिति कब आती है, अतीत की चिंताएं जब हमारे ऊपर हावी होने लगती है तो दुखी स्वर्ण दुग्ना सुखी सु विगत स्पृह वीतराग भया क्रोध स्थित धीर्मुच्य। और इसलिए योग को उन्होंने तीन प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। पहला, योग कर्म सुकौशलम, वर्तमान में जो हमें कार्य मिला है उसे कुशलता पूर्वक करें, कंसंट्रेटेड होकर करें, और ये तभी संभव है समत्वम योग उच्यते। और जब ये दोनों स्थितियां आती है तो तीसरे स्थान पर योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है तन विद्याद दुख संयोग वियोग योग संगीतम। और तब ऐसी स्थिति में हम अपने दुख के संयोग से सर्वथा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और शेष चीजें तो आपने कहा ही है, गीता में तो कहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो अगर अपना आहार विहार चिंतन ये सारे संयमित हम कर लेते हैं, युक्त कर लेते हैं, इन सारी चीजों से मैं मुक्त हो जाता हूँ। आपके इस आख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर, बड़ा सारगर्भित आपने वक्तव्य दिया है और उसमें जो एडिशन की है वो वाकई मूल्यवान है। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि अभी बुद्धिज्म और जैनिज्म के परिप्रेक्ष्य में हम इस सारे विषय को देखेंगे तो और भी कई सारे आयाम जो हैं हमारे सामने आ जाएंगे, जब हम आकाशा यतन ध्यान, जला यतन ध्यान और अन्य ध्यानों की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं निकट भविष्य में इसके ऊपर हम आगे क्या चर्चा कर पाते हैं, और मैडम जो हैं वो वर्कशॉप जिस वक्त करेंगे तो उसको हम समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। तो यदि किसी और का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी हो तो प्लीज आप लोग अपना साझा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर हम धन्यवाद ज्ञापन ये मेरा अग्रसर होंगे। जी, ये मेरा। और राजवीर जी आप अपनी स्क्रीन शेयर मत कीजिए। मैं स्क्रीन कहां से? राजवीर जी प्लीज स्क्रीन शेयर मत करें। क्या हो रहा है? और किसी का कोई सवाल या कोई टिप्पणी है तो हम लेंगे, नहीं तो उसके बाद डॉक्टर राजेश होर जी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से हम सभी का धन्यवाद करेंगे। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मैडम दीपिका गुप्ता जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। राजवीर जी प्लीज अपना स्क्रीन ऑफ करिए। ये मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राजेश होर जी को, जो कि कन्वीनर हैं इस वेबिनार के, कि वो आज के मुख्य वक्ता का और हमारे साथ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स का उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एसटी कॉलेज अम्बाला कैंट, तहे दिल से आज के हमारे मुख्य अतिथि और रिसोर्स पर्सन डॉक्टर रितिका गुप्ता जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में हमें योग टेक्निक के द्वारा स्ट्रेस को या तनाव को कैसे दूर किया जाता है इसके बारे में हमें बताया, बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया। कुछ कारणों के बारे में भी बताया, कारणों के बारे में जैसे भी ये स्ट्रेस, ये तनाव या चिंता क्यों उत्पन्न होती है हमारे अंदर, जैसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं हमारी, सोशल मीडिया प्रॉब्लम है आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम गैजेट से घिरे हुए हैं, हम वो पुरानी खेलना कूदना भूल चुके हैं आज, जैसे स्कूल से या कॉलेज से जाते थे, ग्राउंड में जाते थे या खेलते थे, लेकिन नहीं, जैसे ही हम जाते हैं तो घर
खाना भी हम बेड पे, हमारी जो आदतें हैं वो इनका कारण भी बनती है और कुछ बीमारियों का कारण भी बनती है, जिससे हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। रिलेशनशिप की बात की है उन्होंने, कंपैरिजंस की बात की थी मैडम रितिका जी ने, कि कैसे कंपैरिजन करके हम स्ट्रेस का कारण बनते हैं, कि किसके पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ओडी है, किसी के पास मारुति है, तो हम जब इन चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारे स्ट्रेस का कारण बनती हैं और हमारे शारीरिक पर, हमारे शरीर पर वो प्रभाव डालती हैं। रिलेशनशिप है हमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और हमारा प्रोफेशन है जो स्ट्रेस देता है, हमारा किस तरीके का प्रोफेशन है और हम किस तरीके से उस प्रोफेशन को लेते हैं। तो कुछ हिडन फैक्टर्स के बारे में मैडम ने बताया, जैसे लैक ऑफ एनर्जी है, रेस्ट है, लैक ऑफ स्लीप है, रिलैक्सेशन हम प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाते, और हमारा जो जिन चीज़ों से हमारा जो माइंड जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स जब हमारे आते हैं तो नेगेटिव की तरफ हम सोचने लग जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिन्होंने, जिनको मैडम ने बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्या, उनकी व्याख्या की। उसके बाद कैसे स्ट्रेस को, सबसे मेन जो बताया अभी, स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, जो 5 जो स्टार दिए हैं वे ऑफ लिविंग के, या 5 पॉइंटर्स जो का जो प्लान दिया है मैम आपने, वो बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उसकी व्याख्या की है, और इसको अपनाकर हम अपने जीवन को तनाव मुक्त रख सकते हैं, इसके बारे में आपने बताया कि हम कैसे इन, और जो मुझे आपका जो बेहतरीन जो उपाय लगा मैम वो था डायरी को मेंटेन कर। ये हर बच्चा बड़ा इजी होता है, हम अपने सारी दिनचर्या को अगर हम लिखें, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को अगर हम लिखें, तो एक समय ऐसा आएगा मैम कि हम पॉजिटिव पॉजिटिव बातों की हम, हमारा ध्यान जाएगा, हमारे बच्चों का ध्यान जाएगा। मैं आज जो हमारे बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, मैं इनको कहना चाहूँगा कि शाम को ये आदत जरूर डालें, और ये एक बदलाव लेके आएगी आपके अंदर, एक पॉजिटिव एक बदलाव लेके आएगी, और धीरे धीरे आपका माइंड पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो स्ट्रेस कम होगा आपको, तनाव कम होगा। और मैम जैसे होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बताया कि स्ट्रेस, जैसे बॉडी और माइंड के रिलेशंस की बात की, और ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम्स के उसके इफेक्ट की, और प्रतिपक्ष की जो भावना थी उसके जो मेथड, जो मतलब चैलेंजेस है, जो उसके प्रतिपक्ष भावना एक चैलेंजेस है, लेकिन उसको धीरे धीरे अभ्यास अगर हम करते हैं इस चीज़ को, तो हम जरूर ही इसके माध्यम से स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। और अनित्य भावना के बारे में भी आपने बताया कि भी नथिंग इज परमानेंट, परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं है, हर पल हर चीज़ हर क्षण बदलाव की तरफ जा रही है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे, या चाहे वो हमारे स्टूडेंट हैं या हमारा प्रोफेशंस हैं, अगर हम इस भावना के साथ, अनित्य भावना के साथ अगर हम कार्य करेंगे ना कि भी कुछ स्थायी नहीं है, तो ये भी हमें तनाव मुक्ति का एक बेहतरीन उपाय जो आपने हमें बताया है, तो उसके लिए मैं आपका, जैसे रिफ्लेक्शन टेक्निक्स आपने उसके बारे में बताया है, और बहुत सारी चीज़ें कौन को रिफ्लेक्शन टेक्निक्स में है, जैसे पॉजिटिव फोर्सफुली को, जो कि साक्षी भाव की तरफ वो लेके जाती है। साक्षी भाव वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन इसको साधना उतना ही मुश्किल है। साक्षी भाव एक, अगर साक्षी भाव हो जाता तो हम कवल्या की तरफ बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। साक्षी भाव बहुत बड़ा साधन है कवल्या की तरफ या मोक्ष की तरफ जाने का, लेकिन साक्षी भाव के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही कठिन है। तो मैम मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे को योगिक टेक्निक्स के माध्यम से जो स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे, स्ट्रेस को, तनाव को या चिंता को कैसे दूर किया जाता है, कुछ भारतीय परंपराओं का, जैसे हमारे डॉक्टर आशुतोष जी जो जिनके सराहनीय कदम जिन्होंने उठाया, ये बहुत प्रोग्राम हमारे करते रहते हैं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और ये कार्यक्रम में मैं एक कन्वीनर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। तो सर ने भी बताया कि जैसे परंपराएं हैं हमारी, जो पद्धति हैं, प्रयोग हैं, वो भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम जान ही नहीं पा रहे हैं आजकल उनको, क्योंकि हम पीछे की तरफ
देखना नहीं चाहते नई नई चीजें, क्योंकि जो गैजेट्स में हम देखते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देखते हैं, नेट पे देखते हैं, गूगल बाबा पे देखते हैं, दूसरी चीजें देखते हैं हम, तो वो सारी वहां पे चीजें नहीं मिल पाती हमें, लेकिन उसके लिए हमें अध्ययन की भी आवश्यकता है। तो मैं आशुतोष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने, और आभारी हूँ उनका कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, और आप लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ, और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी डेलीगेट्स का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे इस प्रोग्राम को सुना। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो जिन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ इस कार्यक्रम को सुना, और इनसे आशा करूंगा कि वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। कन्वीनर साहब ने तो धन्यवाद कर दिया, लेकिन कन्वीनर साहब का अपना धन्यवाद है कि उन्होंने ये सारे कार्यक्रम को आयोजित किया, उत्साह दिखाया, और इस सारे कार्यक्रम को बड़े ध्यान पूर्वक सारे वक्तव्य को सुना। और मुझे ये लगता है कि ये जो आज का विषय था फिजिकल एजुकेशन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण विषय था, और इस सारे विषय को मुझे मालूम नहीं कि फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज में ये सम्मिलित है या नहीं है, है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को स्ट्रेस जो होता है उसको हैंडल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर कम से कम भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन साक्षी भाव में खेलना शुरू कर दें तो उनको कोई हरा नहीं सकता, उनकी जीत निश्चित है। लेकिन ये सब टेक्निक सीखने पड़ते हैं अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ, तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए दोबारा निश्चित रूप से मैडम के साथ चर्चा करेंगे कार्यशाला के लिए, और देखते हैं कि हम फिर किस दिशा में और अग्रसर हो सकते हैं और कैसे अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आभार प्राचार्य महोदय की ओर से, कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से, और अन्य सभी कॉलेजेस की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और फिर पुनः जल्दी ही मिलेंगे किसी अलग नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं ऑनलाइन, वो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए। जो लोग ऑफलाइन बैठे हुए थे वो भी ऑनलाइन जुड़ करके अपना फॉर्म जो है वो भर दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू, दोबारा आपसे मिलता हूँ जी, और ये मैं रिकॉर्डिंग वगैरह आपको जल्दी भेज दूंगा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिजिकल के हैं बेटा, फिजिकल सब्जेक्ट।